अरे भाई यार, सिंचन मेरे से नहीं हो रहा है भाई। तू कब से करवा रहा है यार? कितनी मेहनत भाई, सिंचन में थक चुका हूँ अब यार। अरे प्रेग्नेंट यार करिए, नहीं तो आपको यार पुलिस में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अरे हाँ सिंचन, पता है भाई, उसी के लिए सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई यार, जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो यार, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ आज पुशअप करके? और अभी सिंचन ने भी पुलिस की ओपनिंग के बारे में बताया। तो यार एक्चुअली आज अपने लॉस सैंटोस शहर में पुलिस की ओपनिंग चालू हो चुकी है। तो यार जिस किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो वह शहर में जा सकता है। तो यार गाइस, सिंचन और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी जाने वाला हूँ अपने लॉस सैंटोस की पुलिस स्टेशन में ज्वाइन होने के लिए। तो मैं बस उसी के लिए सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। तो यार गाइस, मुझे लगता है कि अपना वर्कआउट फाइनली अब एंड हो चुका है। सुबह से अपन लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार थोड़ी सी डुबकी भी मार लेता हूँ पानी के अंदर, और एकदम बढ़िया तरोताज़ा हो करके फिर जाता हूँ पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू देने के लिए। तो सिंचन भाई, मैं चाह रहा हूँ मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दे यार कि अपना सिलेक्शन हो जाए पुलिस में। अरे हाँ फ्रेंकिन भैया, आपको ऑल द बेस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सिंचन यार। तो मैं आता हूँ फटाफट पुलिस स्टेशन जाके इंटरव्यू देने, और फिर आके यार गुड न्यूज़ देता हूँ। तो भाई तुमको क्या लगता है अपने फ्रेंकिन का पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग हो गया नहीं? फटाफट मुझे बताओ कमेंट में यस और नो लिख के। और भाई चौक में जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना, समझा तू? अरे हाँ फ्रैंकलिन, तुम जाओ यार, मैं ध्यान रखूँगा, फटाफट जाओ, जल्दी जाओ। चल चल यार भाई, चॉप ने भी अपने को कह दिया कि फटाफट निकलना चाहिए। तो अपन लोग फटाफट चलते हैं पुलिस स्टेशन की ज्वाइनिंग के लिए, और अपन लोग चलेंगे अपनी कार में। अरे नहीं यार, कार में नहीं जाएंगे भाई, अपन लोग जाएंगे गाइस बाइक के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है शायद इस बाइक से अपना कुछ गुड लग आ जाए। और यार गाइस, शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं पुलिस की जॉब करूँ, तो मुझे लगता है कि आज फाइनली यार अपना वो सपना पूरा हो सकता है। अपन लोग चलते हैं फटाफट पुलिस स्टेशन की तरफ। ओ भाई भाई भाई, अगर ऐसे मैंने पुलिस की गाड़ी चलाई ना, तो भाई मुझे वो पहले ही दिन नौकरी से निकाल देंगे, पक्की बात है। बट यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यार ऐसे पुलिस की ओपनिंग उन्होंने अचानक पूरे अखबार में क्यों दे दी कि कोई भी लॉस सैंटोस का सिटीजन उसको ज्वाइन कर सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों करा उन लोगों ने यार, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी फोर्स मौजूद है। और भाई ये क्या कर रहा है, धीरे चला, अभी दिखता नहीं है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ नौकरी का। अबे ओ भाई साहब, ऑइस देख रहे हो यार, अबे हट जा बे। ये जो जो मेरे को टक्कर मार रहा है ना, मैंने एक एक की शक्ल नोट कर ली है भाई। जैसे ही अपने को जॉब मिलेगी ना, तो फिर दोस्तों तुम देखना मैं इनकी कैसी बारह बजाता हूँ भाई। ये मेरे को परेशान तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी। एक बार नौकरी मिल जा रहा भाई, तो इनसे मैं जो रिश्वत वसूलूंगा, जो रिश्वत वसूलूंगा भाई, पूरी की पूरी BMW खरीदूंगा फिर। अबे टैक्सी, तेरे पे भी नज़र है मेरी, समझा ना तू, तेरे को मैंने देख लिया है, आँखों से फोटो खींचता हूँ आँखों से। और यहाँ से तो मैं सोच रहा हूँ सीधा लंबा वाला स्टैंड मार के निकलूँगा। अरे हटो बे, ट्रैफिक जब फॉलो करेंगे, ओ भाई साहब क्या रील बनी है, इंस्टाग्राम पे डालूंगा इसको तो मैं सीधा। अब कच्चा हो गया भाई, हटो बे, दिखता नहीं है, गाड़ी जा रही है गाड़ी। हाय 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 गाइस, यार अपने अगर ड्राइविंग तुमको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार ड्राइविंग ओपी ज़रूर लिखना कमेंट में। और जिसको भी यार शाउट आउट चाहिए तो अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, उसको मैं अगले वीडियो में शाउट आउट ज़रूर दूंगा। और भाई साहब, अपन लोग अपनी बाइक यहाँ पे करते हैं पार्क और चलते हैं इंटरव्यू देने के लिए पुलिस का। गाइस मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, आई होप कि यार अपना सिलेक्शन हो जाए। और भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, यहाँ पे अपना जैक खड़ा हुआ है, ऑगी खड़ा हुआ है। भाई साहब चल क्या रहा है, ये लोग पुलिस स्टेशन से बाहर क्या कर रहे हैं? और इतनी भाई लंबी चौड़ी लाइन लग रही भाई, ये सब लोग क्या पुलिस का इंटरव्यू देने आए क्या यहाँ पे? ओ भाई भाई, ये तो कच्चक की लाइन लग रही है, मुझे लगता नहीं कि अपना नंबर आ जाएगा। लेकिन चलो यार, लाइन में लगने में तो क्या ही बुराई है। और भाई जैक, तुम भी पुलिस वाले बनो है क्या लॉस सैंटोस में? आए फ्रैंकलिन, जब तू बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? तू देखना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना पुलिस में, तो सारे के सारे गुंडों को चिन चिन के मारूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तू देखना फ्रैंकलिन, समझा? चल चल जैक, ठीक है भाई ठीक है यार, इतना गुस्सा मत हो भाई, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। और भाई योगी, तुम भी पुलिस बनोगे? मतलब अब इतने ख़राब दिन आ गए पुलिस के? अरे यार फ्रैंकलिन, ऐसे क्या बोलते हो भाई, मैं भी यार देखो ईमानदार हूँ। चल चल ठीक है भाई, मजाक कर रहा था यार, तू भी ज्वाइन हो जा रहा पुलिस में। ओहो हो भैया, ड्राइवर अंकल भी आए हैं।
और ट्रेवर तुम भी पुलिस बनोगे भाई, तुम तो इतने बड़े कुख्यात फेमस क्रिमिनल हो भाई। अरे फ्रैंकलिन अब बहुत क्राइम कर लिया भाई, अब सोच रहा हूँ यार पुलिस ज्वाइन करके थोड़े अच्छे काम कर लूँ। सही बोल रहे भाई ट्रेवर, गुड लक टू यू। ओहो, माइकल जच्चा भी आए। माइकल जच्चा, तुम भी पुलिस बनोगे? तुम भी भाई कुछ कम नहीं हो स्मगलर एक नंबर के। अरे फ्रैंकलिन क्या बात करता है मेरे भाई, अब मैं एक शरीफ इंसान हूँ, फैमिली लेके बैठा हूँ भाई, कैसी बातें करवा है तू? फैमिली लेके बैठे हो? चलो ठीक है भाई, तुम भी ट्राई कर लो, लेकिन तुम्हारा होने वाला नहीं। तुमने अपना पेट देखा है क्या? अरे फ्रैंकलिन जिम जा रहा हूँ भाई, हल्के में ले रहा है क्या तू? ठीक है यार माइकल भाई, तो तुमको गुड लगा, आई होप यार तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए, तो फिर दोनों भाई मिलके क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। ओके फ्रैंकलिन गुड लक। और भाई ये काला वाला तो शक्ल से मेरे को डॉन लगता है कोई। अबे भाई जिमी भी आया, माइकल का लड़का। अरे जिमी भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे फ्रैंकलिन अंकल मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ पुलिस में। पापा ने बोला है कि पुलिस का फार्म भर दे बेटा, घर पे कब तक फालतू बैठेगा तू? ठीक है भाई जिमी यार, गुड लक टू यू मेरे भाई। तो यार भाई इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं भाई, अपना नंबर कब आएगा यार? अपना नंबर कब आएगा पता नहीं, कब तक वेट करूं भाई? अभी तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है गाइस, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, इधर ही थोड़ी देर सो जाता हूँ, शायद क्या पता अपना नंबर आ जाए। ठीक है भाई जैक, तो मैं सो रहा हूँ यार, जैसे ही मेरा नंबर आया तो उठा लेना। ठीक है आए फ्रैंकलिन, तू यहाँ इंटरव्यू देने आया है सोने? चुपचाप से खड़ा हो जा और अपने नंबर का वेट कर, समझा तू? अरे नहीं जैक भाई यार, तुम बहुत ज़्यादा अभी लंबी लाइन लगी हुई आगे, तुम लोग चाहो जब मेरा नंबर आए तो बता देना, समझे? वेयर गाइस फाइनली अपनी नींद कंप्लीट हो गई है, मुझे उम्मीद है कि अब तो यार थोड़ी सी भीड़ कम हुई होगी। ओहो क्या बात है भाई, भीड़ कंप्लीट हो गई फाइनली, जैक होगी इन सबका इंटरव्यू तो हो गया भाई। अब तो माइकल और ये लोग ही खड़े हुए हैं, काम करता हूँ ऑफिसर से जाके बात करता हूँ कि ऑफिसर भाई कुछ ले देगा, कुछ देख ले भाई, जल्दी नंबर लगा दे मेरा। हेलो पुलिस ऑफिसर साहब, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, क्या मुझे फॉर्म मिलेगा? अब तू कौन है रे, लाइन तोड़ के आ रहा तरीके से तो आ? अरे सर मैं कब से खड़ा हूँ, प्लीज़ सर समझो सर, मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं गरीब हो गया, मेरे पास साहब खाने को पैसे नहीं है, पीने को दारू नहीं है साहब, कुछ तो करो साहब। अबे ऐसी कैसी बातें कर रहा है तू, सरकार देती तो है साहब, प्लीज़ साहब नौकरी दे दो साहब, आप जो बोलोगे मैं करूँगा साहब, मुझे एक बार अपने आप को प्रूफ करने का मौका तो दो साहब, मैं कर सकता हूँ। चल ठीक है काम कर, मैं तुझे टास्क देता हूँ, तू जाके क्रिमिनल को पकड़ के ला जिसको हम लोग बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, अगर तूने वो कर दिया तो हम तेरे को पुलिस में ज्वाइन कर लेंगे, समझा? चलो ठीक है सर, आप मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं उसको अभी कभी पकड़ के लाता हूँ, चाहे जो हो जाए सर। थैंक यू। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेल फीमेल आप जो भी हो। तो यार गाइस अपने को टास्क मिला है कि अपने को एक क्रिमिनल को पकड़ के लाना है जिसको पुलिस वाले काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे, तो चलो यार अपन लोग उसको लेके आते हैं। एक काम करते हैं अपनी यार बाइक में चलते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं। पुलिस वाले अंकल ने मेरे फ़ोन में मुझे लोकेशन तो भेज दी है, तो चलो फटाफट जाके उसको देख के आते हैं कि भाई कौन है जब पुलिस को परेशान कर रहा है। अरे ऑफिसर फ्रैंकलिन नाम है हमारा, क्रिमिनल को तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो अपन लोग को यार भाई लोग जिस क्रिमिनल के बारे में पुलिस ऑफिसर ने बताया, वो कहा जा रहा है कि वो यहाँ की अपने लॉस सैंटोस शहर का बहुत ही बड़ी क्रिमिनल गैंग है, और भाई उनका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो भाई पुलिस वाले ने बोला कि अगर यार तुमको कुछ होता है तो भाई इसका ज़िम्मेदार हम लोग नहीं है, बिकॉज ये तुम पूरा का पूरा अपने रिस्क पे कर रहे हो। सो भाई लो सारे सर फाड़ दिया, तेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया मैंने, एक बार तो मेरे को नौकरी मिलने दे भाई, छोड़ तेरी गाड़ी, दोनों को मैं घर से उठा के ले जाऊँगा, समझा तू? फिलहाल तो मुझे इस क्रिमिनल को उठा के लाना है। तो यार भाई लोग अब तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ यार लाइक करो और वीडियो को पूरा देखो और भाई शेयर करो सबके साथ यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं, काहे नहीं देखते तुम? चलो चलो फटाफट अपन लोग आ चुके हैं भाई लोग लोकेशन के पास, और वो क्रिमिनल का जो बेस है वो यही कहीं पे बताया गया है मेरे को, तो देखते हैं यार वो कहाँ पर है क्रिमिनल का बेस, शायद इधर ही कहीं पे है। अरे हटे ना भाई फरारी, कहाँ पे था भाई? इन्होंने ही बताया था मेरे को कि यहाँ पे आपको मिलेगा। भाई साहब, ओ भाई भाई ये लोग तो मास्क गैंग लग रही, भाई इन सब ने मास्क लगा रखे भाई, कितने चार तो बाहर ही खड़े हुए हैं। एक काम करता हूँ साइड में लगाता हूँ बाइक, और ये आवाज़ कैसी आ रही भाई? एक काम करता हूँ मैं तरीके से,
अपने हाथ में गाइस पहले तो मैं रख लेता हूं एक पिस्टल, क्योंकि भाई पिस्टल में अपन ने लगा दिया सप्रेसर, और मैं काम करता हूं चोरी चुपके घुसूंगा ऊपर से, नहीं कूद नहीं पा रहा हूं यहां पे, चढ़ पाऊंगा क्या यहां पे भी नहीं चढ़ पा रहा हूं भाई, क्योंकि अगर यार दोस्तों अगर मैं सामने से गया तो भाई वो पक्का ही मुझे किल कर देंगे, सामने से अपने को जाना नहीं है। एक काम करता हूं यहां से एक के सर पे सबके हेडशॉट मार के निकल लूं क्या प्यार से, या उधर उस दीवार से अगर मैं चढ़ सकता हूं तो चढ़ जाता हूं। अरे हां हां गाइस शायद मुझे लग रहा है कि मैं यहां से चढ़ सकता हूं, इन लोगों ने मेरे को देखा नहीं, ये लोग शायद बातों-बातों में बिजी हैं। एक काम करते हैं यहां अपन लोग गाइस पीछे से घुसेंगे चुपचाप, पर एक बंदे को जो इनका मेन हेड है उसको अपने को किडनैप करना है, उसको मैं गोली नहीं मारूंगा। कैसे जाता हूं यहां से यार, हटा भाई कचरा क्यों डालते हो यहां पे तुम, अरे 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 भाई खड़े हो खड़े हो, अबे भाई उन्होंने गन निकाल ली, गन निकाल ली, गन निकाल ली, ये क्या, नहीं ये तो नहीं है तू ही के, अबे चल निकल, एक तो गया लड़की लड़की, अबे नहीं 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 भाई मैंने छोड़ा, अबे आर्मर पहन के आया हूं, अबे ये इनका बॉस लग रहा है मुझे, इसको मारना नहीं है मुझे, सो खाली मैंने बेहोशी करा है। अबे 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 ये कौन, ये जिंदा है क्या, ये शायद जिंदा लग रहा है, कहां से पड़ रही है मुझे, ओ भाई भाई कौन फायरिंग कर रहा है मेरे पे, अब कौन फायरिंग कर रहा है देख भी नहीं रहा है, कौन है कौन है कौन है भाई, मेरे को सेकंड कवर में आना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भी विजन नहीं आ रहा है कौन अटैक कर रहा है मेरे पे, एक सेकंड देखना पड़ेगा। अब एक तो ये लड़की, तू निकल यहां से, अबे ये कौन है, इनविजिबल भूत, बंदूक चल रही है वहां पर, अबे 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 बंदूक चल रही है, इसको मारू कैसे, अबे 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 बंदूक बंदूक को नहीं मार, ओ भाई ये तो भूतिया जगह है भाई, ये तो भूतिया जगह, फटाफट इनके वेश में देख के आता हूं, कोई है या नहीं, अबे भाई सीक्रेट लोग है तो यार, ये क्या भाई, तो इनका वेश लग रहा है मुझे, ये है इनका बेस का, यहाँ पे ये लोग प्लानिंग करते हैं सारे के सारे क्राइम के, और ये रही इनकी तिजोरी, तिजोरी में से माल लूटना नहीं, लेकिन यार इनका जो मेन बॉस है वो शायद बाहर ही, मैंने उसको बेहोश कर दिया था, तो उसको यार गाइस मुझे उठा के फटाफट ले जाना पड़ेगा उनके पास, मेरे को दिख भी तो नहीं रहा किसको किस पे फायर करूँ, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ अपनी बाइक ले आता हूँ और बाइक के पीछे ही उसको बांध के ले जाऊँगा ताकि आसान रहेगा मेरे को, कितना तेज दिमाग है भाई मेरा, कितना ज्यादा तेज दिमाग है, वो बॉस कहाँ पे, ये रहा बॉस, तो इस बॉस को अपन गाइस उठाते हैं और फटाफट ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो अपन लोग अब गाइस चल रहे हैं पुलिस स्टेशन अपने इस क्रिमिनल को लेकर के, अपन ने इसका मास्क वगैरह भी खुला लिया, और भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है मैं तुमको बताया तो, और भाई इसको मैंने बोल दिया अगर तूने हिलने की कोशिश करी यहाँ से तो भाई जैसे अभी तेरे बेस में घुस के मैंने तेरे साथियों को टपकाया ना तो भाई मैं तुझे भी टपका दूंगा, उसके बाद से तो यहाँ इतना ज़्यादा डर चुका है ना कि पूछो मत भाई, एकदम चुपचाप बैठा एक काम करूँ यहाँ से शॉर्टकट ले लूँ क्या, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, याद है अपन लोग गई मारते हैं शॉर्टकट, ओके 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 था, अरे अरे हेलो 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 एक्सक्यूज मी, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ फुल स्पीड में तो ये, अबे भाई मैंने जाली के ऊपर बाइक उठा दी यार, गाइस तुमने देखा कि मैंने जाली के ऊपर से बाइक निकाल दी, ट्रेन जा रही है, अबे ट्रेन में बैठियो मत तू भाई वरना तुझे बहुत मारने वाला हूँ मैं, ट्रेन में बैठियो मत जा रहा गाइस, चलो भाई ट्रेन निकल गई तो भाई अपन लोग फटाफट चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ और जाके इसको हवाले करते हैं और अपनी पुलिस की ड्यूटी लेते हैं अपन लोग, जल्दी चल दे भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार कि मेरे को पुलिस की जॉब मिल जाए फाइनली, और अपना पुलिस स्टेशन में गए यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, और यार अब तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक करना भूलना मत और सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि क्रिमिनल मज़ा आ रहा है तेरे को महंगी वाली बाइक पर बैठ के, अरे हाँ यार सर बहुत मज़ा आ रहा है साहब, पर हमें क्यों ले जा रहे हो, तुझे तभी रुक जा मैं बताता हूँ पुलिस स्टेशन जाके मैं तुझे क्यों ले जा रहा हूँ, समझा तू, चुपचाप चल बस मेरे साथ, चलो चलो भाई चलो चला जा, भागने की कोशिश नहीं करियो भाई गोली मार दूंगा नहीं तो, समझा ना तू,
चुपचाप मेरे पीछे भी जाता रहे बस, और जितना समझाया उतना ही बोलना ऑफिसर के सामने, समझा तू, ज़्यादा नहीं बोलेगा, और इतना चौड़ में मत चल, पुलिस स्टेशन आया तू। और भाई साहब क्या कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, पियो पियो। ओहो यहाँ तुम्हें तो भाई देख रहे हो तुम लोग, दोस्तों और लोग आ गए, और ये लोग तो भाई कॉफ़ी के मज़े ले रहे हैं यार इंतज़ार में, और अभी तक लंबी लाइन लगी हुई है भाई, इनके इंटरव्यू अभी तक चल ही रहे हैं, पता नहीं इनसे। ओ सॉरी सॉरी साहब सॉरी, ओ और सॉरी सॉरी साहब सॉरी। अरे वो क्रिमिनल भाई अंदर नहीं आ रहा है, देख 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 भागने का ट्राई कर रहा है, चल अंदर आ, अंदर 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 आ बेटे, अंदर अंदर आ जा बेटे, अंदर आ जा, इंजेक्शन अंदर आ जा बेटे, इंजेक्शन अंदर आ जा, और साफ के पास खड़ा हो जाएगा, चला जाए इधर आ जा, इधर आ जा, चुपचाप से आ जा। तो ऑफिसर साहब आपने जो मेरे को क्रिमिनल लाने का बोला था उसको मैं लेके आ चुका हूँ, तो अब क्या मुझे अपनी पुलिस की जॉब मिलेगी? अरे हाँ फ्रैंकलिन, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, तो तुमको पुलिस की जॉब दी जाती है, जाकर लॉकर रूम से अपना यूनिफॉर्म पहन लो और अपनी गन्स वगैरह भी ले लो, गुड लक टू योर जॉब। सो गाइस देख पा रहे हो यार, जैसा कि पुलिस ऑफिसर ने वादा करा था, अपने को जॉब मिल चुकी है, अपन लोग अब जाते हैं लॉकर रूम में, अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपनी ड्यूटी पे लगते हैं। भाई कितना बड़ा सारा लॉकर रूम है यार, देख रहे हो तुम लोग, गजब भाई, इतना बड़ा लॉकर रूम पुलिस का, और भाई दिखी नहीं, तो वाओ। तो अपन लोग फटाफट चेंज करते हैं और अपने पुलिस के अवतार में आ जाते हैं। तो अपन लोग ने अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली है, और भाई जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ उस यूनिफॉर्म में। अगर मैं तुमको इस यूनिफॉर्म में अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे इस बारे में भी कमेंट करना ज़रूर। तो अपन ने अपनी यूनिफॉर्म तो पहन ली है, अब बारी है अपनी गन्स लेने की, तो अपनी गन अपने को मिलेगी यहाँ पे, अपन लेके आते हैं अपनी गन। और भाई साहब यहाँ पे तो यार गजब की गाइस देख पा रहे हो, बड़ी बड़ी शॉट गन्स पड़ी हुई हैं। ओहो शॉट गन है, डंडे है भाई, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो गाइस यार अपन ने अपनी शॉट गन तो ले ली है यहाँ से, तो अपन लोग चलते हैं अपने एक सीक्रेट टास्क की तरफ, जो कि यार मुझे अभी पुलिस ऑफिसर ने बोला है अपने को क्रिमिनल के बेसिक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, और वो बहुत ही रिस्क वाला काम है। तो चलो अपने लोग चलते हैं अपने पहले मिशन की तरफ, और यार मुझे शायद उन्होंने बोला है कि आपको आपकी कार पार्किंग में से मिल जाएगी, तो पार्किंग तो मुझे यही लग रही है, लेकिन भाई ये सब खटारा गाड़ियाँ तो मैं लेने वाला हूँ नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये वाली गाड़ी लेता हूँ भाई, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। यस अब इसका चाबी नहीं है क्या? अरे चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन लोग गाइस ये वाली गाड़ी लेके जाने वाले हैं, और अपन लोग उस क्रिमिनल के बेस से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। लाइट जलाऊं क्या? ओहो गजब भाई लाइट जल रही, हट जाओ बे, पुलिस वाला आया सिंघम, गजब है भाई, हट जा हट जा हट जा हट जा, ये क्या कर रहा है, देखता नहीं है, पुलिस ऑफिसर हूँ पुलिस ऑफिसर। तो यार अपन लोग निकल चुके हैं अपने अगले मिशन की तरफ, अपने को जाना है गाइस ग्रोव स्ट्रीट की तरफ, वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स हैं, उनको यार अपन लोग को ठिकाने लगाना है और उनसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। ओ सॉरी सॉरी ब्रो, देख के चलाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, देखते नहीं पुलिस वाला जा रहा है और तुम भाई ऐसे चला रहे हो, शर्मानी चाहिए तुमको यार। अरे हटो यार भाई, मेरे को ग्रोव स्ट्रीट जाना होगा, इस तुम लोग को पता ही है यार ग्रोव स्ट्रीट कितनी ज़्यादा डेंजरस जगह है। ग्रोव स्ट्रीट में गाइस एक से एक छठे हुए बदमाश रहते हैं, तो उनसे यार अपने को इन्फॉर्मेशन निकालना कोई इसी काम तो होगा नहीं। ओ भाई भाई ये तो यार पूरे के पूरे क्रिमिनल्स बसे हुए बस्ती में। तो यार गाइस जैसा कि मेरे को बताया गया है, यहाँ पे एक होटल है जहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग, तो यहाँ से अपने को इन्फॉर्मेशन निकाल के आनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ एक शॉर्ट गन, जिससे कि यार जो भी ज़्यादा बोलेगा तो उससे अपन लोग देख सकते हैं, ए भाई क्या कर रहा है, सिगरेट इज़ नॉट अलाउड हियर। एक काम करते हैं अंदर जाते हैं और जा करके देखते हैं कि भाई जो अपन लोकेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने आए हैं वो सही है या नहीं, अपने कहीं और पहुँचा दिया गया है। ये तो कमरा बंद है, ये पीछे वाला गेट, ओके ओके यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, इन लोगों से पूछोगे इनको कुछ पता हो तो, ये तो नहीं भाई, ये तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन लोग को तो गाइस कुछ आइडिया होगा नहीं। काम करता हूँ थोड़ा सा और अंदर एक्सप्लोर करता हूँ, शायद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऊपर जाके देख के आता हूँ ऊपर ऊपर ऊपर। और गाइस इनका एक हेड भी है गैंग का, उसको भी अपने को किल करना है, यहाँ तो सारे के सारे गेट बंद हैं। तो यार मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाहर ही अपने को एक आधे को
देखना पड़ेगा ये लगता है भाई। अबे भाई ये इनकी मुझे हरकतों पे पहले शक हो गया था। चल निकल, इनकी पूरी पूरी गैंग फिनिश कर दूंगा भाई, ताकि अगली बार कुछ। ओ अबे पुलिस वाले वकील करता थी तो भाई कौन है तू? अंदाजा हो गया थे यही थी वो गैंग जिसके बारे में मुझे बताया गया था, जिन लोगों ने हरे कपड़े पहने थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस वाले अपार्टमेंट में भी देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अपने को। वो यार बोला तो गया था भाई अपने को, अब देखने में यार क्या ही बुराई आए तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ओके इस वाले का गाइस यार गेट खुला है तो मैं इसके अंदर चेक करके आता हूँ और यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ जो अपने को लाने को बोली गई है। ऑलराइट तो यार मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो यार अपने को लानी थी। एक्चुअली वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि अंदर पड़े हुए थे, और वो जो रूम की लोकेशन मिली थी अपने को बिल्कुल सही मिली थी। और अपन ने गए साथ ही साथ एक यार गैंग को भी फिनिश कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे यार सिविलियंस को परेशान कर रही थी। तो यार मुझे लगता है कि अपना टास्क पूरा हो चुका है। अपन लोग चाहते हैं, अभी तो गेट बंद है भाई, तो मैं क्या बोल रहा था यार कि अपन लोग चाहते हैं यहाँ से निकलते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाके बोलते हैं भाई अपन ने अपना टास्क पूरा कर दिया है। अरे लेकिन बट मेरी गाड़ी किधर है भाई? मेरी गाड़ी आई थिंक आगे की तरफ छोड़ के आया था मैं यार, तो ये ऐसी भूल भुलैया, मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ आना है। ये रही अपनी गाड़ी, तो गाइस अपन लोग चलते हैं फटाफट पुलिस स्टेशन और जा करके उनको यार वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। और ये भी बताते हैं कि यार अपन ये दो हो रहे ना हरी गैंग के, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी निकलो, तुम्हारा क्या काम? और ये भी है भाई हरी गैंग के, इस हरी गैंग को तुम देखते ही मारो। एक सेकंड समवन इज फायरिंग एट मी। तो यार अपन ने इस हरी गैंग को भी निपटा दिया है और अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपन लोग ने कलेक्ट कर लिए हैं। और अपन लोग अब पहुँचते हैं फटाफट पुलिस स्टेशन। और लकीली यार याद है पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर है भी नहीं, पास में से काम करता हूँ थोड़ा सा, अपना हॉर्न बजा के निकलता हूँ जिससे कि यार अपना थोड़ा ट्रैफिक तो क्लियर होगा कम से कम। नहीं तो भाई ये सिविलियन जैसे गाइस पागलों की तरह ड्राइविंग करते, तुम लोग को पता है यार ये मतलब कहीं पे भी ठोक देते। अभी तो रास्ते में एक ने मुझे ही ठोक दिया था पूरा। और पता नहीं भाई शिनचैन भी यार घर पे क्या कर रहा होगा अकेला, भाई इसको मैं छोड़ के आया हूँ अकेला कि यार मैं आ रहा हूँ अपना इंटरव्यू देने। और भाई वो सुनेगा कि यार अपने को पुलिस की जॉब मिल गई और अपन ने आज अपनी जॉब कितनी अच्छी तरीके से करी, भाई वो कितना ज़्यादा खुश होने वाला है अपने लिए यार। ऑलराइट दोस्तों तो अपन लोग पहुँच चुके हैं पुलिस स्टेशन। गाड़ी 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 कहाँ से खड़ी करो? अरे नहीं अड़ जा चलो यहाँ पे। अरे कौन है देख, चलो भाई मेरे चढ़ रहा तू, तेरी हिम्मत हो गई भाई। ओके सुबह इधर गए पुलिस स्टेशन, देते हैं अपने सीनियर ऑफिसर को सारा के सारा डेटा और चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। और इनका इंटरव्यू अभी तक चल ही रहा है और ये कहता तो बेहोश भी हो गया इंटरव्यू देते देते। सर आपने जो इन्फॉर्मेशन लाने बोला था वो काम मैंने कर दिया है और मैंने साथ में उस ग्रीन गैंग को भी निपटा दिया जो कि आपने बोला था। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, आपने बहुत अच्छा काम किया, आज की आपकी ड्यूटी पूरी हुई, आप घर जा सकते हो, गुड लक टू यू। ओके तो दोस्तों यार जैसे कि सर ने बोला कि अपनी आज की ड्यूटी फिनिश हो चुकी है, अब लोग चलते हैं घर पे। और यहाँ पे इतना शोर गायब हो रहा है भाई, और मेरी बाइक किधर है भाई? मेरी बाइक को ले गया। अबे भाई मेरी बाइक चोरी हो गई गाइस, अब मैं घर कैसे जाऊँगा यार? पैदल पैदल ही घर जाना पड़ेगा। गजब हो गया भाई, गजब हो गया, मेरी गाड़ी छुड़ा के ले गया कोई भाई, पुलिस वाले की गाड़ी छुड़ाने, शहर में शांति नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस यार अभी यहाँ से मैं जाता हूँ पैदल पैदल घर की तरफ। तो यार मिलूंगा गाइस मैं तुमसे अगले एपिसोड में। यार तुमको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कुछ भी यार कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मिलूंगा मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।